इस बात की यकीन दहानी कर लें कि इन्हें इम्तिहानी मरकज का दुरुस्त पता मालूम है। उम्मीदवार के सलाह डिनी थी वे तो उनके यकीनी बनाएं तो उसे जानन था पांजे इम्तिहान सेंटर की सही जगह। The reporting time of the candidate at the test venue is 7:30 a.m. उम्मीदवारों को हिदायत की जाती है कि अपने मुतालिका मरकज में मौरखा 13 नवंबर 2022 को सुबह 7:30 बजे पहुँच जाए। इम्तिहान वाली जगह से उम्मीदवार के हाजिर थियण जो वक्त सुबह 7:30 बजे है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट वेन्यू आफ्टर 10 a.m. सुबह 10 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को इंतखाबी मरकज में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कहीं भी उम्मीदवार के सुबह 10 बजे का पोए इम्तिहान वाली जगह से दाखिल थियण की इजाजत न होंगी। पेरेंट्स गार्डियंस रिलेटिव्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट वेन्यू। वालिदैन सरपरस्त रिश्तेदारों को टेस्ट सेंटर के अंदर दाखिले की इजाजत नहीं। वालिदैन संभालंदड़ या माइटन के टेस्ट वाली जगह ते दाखिल थियण की इजाजत न होंगी। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द टेस्ट वेन्यू टिल द एंड ऑफ द टेस्ट। टेस्ट के इख्तिताम से पहले किसी भी उम्मीदवार को इंतखाबी मरकज से जाने की इजाजत नहीं होगी। इम्तिहान के पुजारी तय कें भी उम्मीदवार के इम्तिहान वाली जाए खां बाहर वञण की इजाजत न होंगी। You are advised to bring a colored copy of your MD CAD admit card slip along with your original national ID card, smart card, juvenile card, NICOP or passport. आपको हिदायत की जाती है कि अपने असली शनाख्ती कार्ड, स्मार्ट कार्ड, नाइकॉप या पासपोर्ट के हमरा एमडी कैड एडमिट कार्ड के कलर कॉपी साथ लेकर आए। तवां के हिदायत की गई वे तो पांजे असल शनाख्ती कार्ड, स्मार्ट कार्ड, डोमिसाइल कार्ड, नाइकॉप या पासपोर्ट सा गड एमडी कैड एडमिट कार्ड की कलर कॉपी खणी अचो। ओरिजिनल बी फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अंडर 18 इयर्स ऑफ एज। ऐसे कैंडिडेट जिनकी उम्र 18 साल से कम है ओरिजिनल बे फॉर्म उनके लिए काबिले कबूल होगा। असल बे फॉर्म यानी 18 साल का घट उम्र के लिए काबिले कबूल होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग एनी फोटोग्राफ बेयरिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन एडिशन टू CNIC और बे फॉर्म एग्जांपल डोमिसाइल PRC एक्सेट्रा। उम्मीदवार को हिदायत की जाती है कि असली शिनाख्ती कार्ड बे फॉर्म के हमरा इजाफी तौर पर कोई भी तस्वीर वाली दस्तावेज जैसे कि डोमिसाइल या PRC लेकर आए। उम्मीदवार के हिदायत की गई वे असली शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म से गड इजाफी तौर से कोई भी तस्वीर वालों दस्तावेज जड़ो कि डोमिसाइल PRC खड़ी अचो। मोबाइल फोन्स, कैलकुलेटर्स, कैमराज, स्मार्ट वॉचेस, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ज्वेलरी आइटम्स, हैंडबैग्स और अदर कॉन्ट्रैबैंड आइटम्स आर नॉट अलाउड इन द टेस्ट सेंटर। इफ एनी सच आइटम इज फाउंड इट विल बी कॉन्फिस्केटेड एंड द पेपर विल बी कैंसल्ड। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, कैमरा, स्मार्ट वॉच, किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आलात, ज्वेलरी, हैंडबैग और दूसरी कोई भी ममनू अशिया टेस्ट सेंटर की हदूद में लाने की इजाजत नहीं होगी। इस तरह की कोई भी शय बरामद होने की सूरत में जब्त कर ली जाएगी और इम्तहानी पर्चा मंसूख कर दिया जाएगा। मोबाइल फोन, कैलकुलेटर्स, कैमराओं, स्मार्ट वॉचों, कें भी किस्म जहा इलेक्ट्रिक औजार, ज्वेलरी, नंढा बैग और मना कल टेस्ट सेंटर के हदून में खड़ी अचान की इजाजत न होंगी। अड़ी तरह का भी शे मिलने की सूरत में जब्त कई वी इम्तिहानी पर्चो मनसूख किया वे। स्टेशनरी आइटम्स विल बी प्रोवाइडेड एट द वेन्यू। स्टेशनरी आइटम्स टेस्ट सेंटर में ही मुहैया किए जाएंगे। स्टेशनरी जी शयूं टेस्ट सेंटर में फराहम कई वेंदी। इन कंप्लायंस टू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग COVID-19 ऑल कैंडिडेट्स शुड वेयर अ फेस मास्क। COVID-19 से मुतालिक गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक तमाम उम्मीदवार फेस मास्क पहनने के पाबंद होंगे। COVID-19 के लिए गवर्नमेंट की हिदायत की पोयारी कंदे तमाम उम्मीदवार फेस मास्क पहन जा पाबंद होंदा। एमडी कैट एग्जामिनेशन की शीट मौजूद है जिसे हम फिल करने का तरीका जानेंगे। PMC एमडी कैट एग्जामिनेशन डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। ये एक OMR आंसर शीट आपके सामने मौजूद है। इसे फिल करने का सही तरीका ये है। इसमें जवाबात देने के लिए HB पेंसिल का इस्तेमाल किया जाएगा और नाम और सिग्नेचर के लिए ब्लैक बॉल पॉइंट इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट अपना पूरा नाम ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स में कैंडिडेट नेम की फील्ड में लिखा जाएगा। नामों के दरमियान वक्फा छोड़ा जाएगा यानी खाली ब्लॉक्स छोड़ा जाएगा, जैसे कि मेरा नाम अली रजा है तो मैं लिखूंगा A L I
खाली बॉक्स आर ए जेड ए। इसके बाद उम्मीदवार एडमिट कार्ड पर दिए गए सीट नंबर को आंसर शीट में कुछ इस तरह पुर करेगा। सीट नंबर में दिए गए आदात को सर्किल में मौजूद आदात से मैच करके उन्हें ब्लैक कलर किया जाएगा, जैसे कि इस वीडियो में देखा जा सकता है। जैसे सिफर के नीचे सिफर को, दो के नीचे दो को, चार के नीचे चार को, छः के नीचे छः को, चार के नीचे चार को, नौ के नीचे नौ को ब्लैक कलर किया जाएगा। सवालात के जवाब देने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जैसे कि आंसर को मार्क करने के लिए सही जवाब को शीट में दिए गए अल्फाबेट से मैच करके उसे डार्क शेड किया जाएगा। एक से जायद ऑप्शन मार्क करने पे, टिक या क्रॉस का निशान लगाने पे, डॉट लगाने पे या लाइट शेड लगाने पे सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे जवाबात को एक्सेप्ट नहीं करेगा।